और फिर टेलीग्राम को ज्वाइन कर रहे हैं, सबसे पहले खबर आ जाएगा वहीं पे। नमस्ते साथियों, आप देख रहे हैं शिक्षा समाचार और आप लोग को जो बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार था, लगभग खत्म ही हो गया, रिजल्ट आ गया है। और आप लोग को इस बार मैं बताऊंगा कि पिछले साल के अपेक्षा रिजल्ट में बढ़ोतरी हुआ है या कमी हुआ है, और उसके बाद कितना रिजल्ट हुआ है सब अप्रॉक्स में बताऊंगा। और आप लोग को फिजिकल में लग जाना है, क्योंकि रिजल्ट जिसका जिसका हो गया है वो हमें कमेंट करें कि सर मेरा हो गया है, मैं रिजल्ट का वो फिजिकल का क्या क्या करूं। सबसे पहले एआरओ में बता रहा हूं, ये कोटा का है, कोटा में करीब अच्छा ही रिजल्ट आ रहा है। ये जो आप साइड में दिख रहा है आप लोगों को, ये रिजल्ट बहुत अच्छा 71 पेजों में आया है। मैं कोटा का बता देता हूँ पिछले साल की अपेक्षा। पिछला साल जो रिजल्ट था जीडी में 5040 स्टूडेंट पास हुआ था, और इस बार दोस्तों 7740 स्टूडेंट जीडी में पास हुआ है, अप्रोक्स 8,500 करीब कोटा का रिजल्ट है। दूसरा एआरओ है अलवर। अलवर जो है, अलवर में करीब 49 पेज का रिजल्ट बना है और अच्छा खासा ही रिजल्ट आया है। और अलवर का मैं बता देता हूँ पिछला साल का जो रिजल्ट है, अलवर का में 3600 पास हुआ था और इस बार लगभग 5000 यानी 4872 लगभग 5000 करीब जीडी में पास हुआ है। अप्रोक्स जो है लगभग 5500 के करीब अप्रोक्स पास हुआ है अलवर में। उसके बाद अगला एआरओ है जयपुर। जयपुर में भी 48 पेज का दोस्तों रिजल्ट हुआ है और अच्छा खासा ही रिजल्ट हुआ है, जो कि आपको साइड में दिख रहा है। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें ताकि आप लोग को सबसे पहले अपडेट मिलेगा। खबर आने में थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन टेलीग्राम अगर ज्वाइन कर लेंगे सबसे पहले पीडीएफ वहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। आप लोग फटाफट सर्च करके देख लेंगे। किसी किसी को वेबसाइट स्लो हो जाता है या फिर किसी को देखने नहीं आता है, इसके कारण से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वहां से आपको फटाक से मिल जाएगा। अब देखिए जयपुर का मैं बता देता हूँ पिछला साल का रिजल्ट क्या रहा था। पिछला साल का रिजल्ट रहा था जीडी में लगभग 4,39,060 जीडी में पास हुआ था, जबकि इस बार 5,273 स्टूडेंट जीडी में पास हुआ है और अप्रोक्स 5,710 स्टूडेंट पास हुआ है, जिसमें कि अप्रोक्स में टेक्निकल, ट्रेडमैन, 8 पास, 10th पास, एनए, वुमेन मिलिट्री पुलिस, पंडित, पादरी सब रहेगा दोस्तों, अप्रोक्स में सब रहेगा। जोधपुर, जोधपुर में भी दोस्तों 59 पेज का रिजल्ट बना है, कहने का मतलब अच्छा खासा वहां पे रिजल्ट हुआ है। अब पिछले साल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं जोधपुर का। पिछला साल दोस्तों 6600 जीडी में स्टूडेंट पास हुआ था, इस बार 6600 कहने का मतलब 6000 स्टूडेंट पास हुआ है और अप्रोक्स 7000 करीब स्टूडेंट पास हुआ है, जिसमें कि सब मिल जाएगा, सभी ट्रेड लगभग हो जाएगा। झुंझुनू, झुंझुनू में 53 पेज का रिजल्ट बना है, अच्छा खासा ऐसे यहाँ भी कैंडिडेट पास हुआ है और पिछला साल झुंझुनू में 5,700 जीडी में पास हुआ था और इस बार जो है 4,875 कहने का मतलब 4,900 रिजल्ट बना है जीडी में और अप्रोक्स 6310 सभी मिला के, और हाँ 5,700-5,850 करीब हुआ था। तो दोस्तों मैं कहूंगा कि रिजल्ट कम बेस होते रहता है, जिस हिसाब से सीट निकलेगा या जो भी होगा, और आपका अगर रिजल्ट हुआ है तो आप लोग फिजिकल में अब से लग जाएं, क्योंकि मैं पहले कहते थे कि फिजिकल में नहीं लगने के लिए, क्योंकि आपका रिजल्ट नहीं होगा तो फिजिकल बर्बाद रहेगा, कोई फायदा नहीं फिजिकल का। आप लोग उस टाइम में आप रिटर्न का तैयारी करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन अब जिसका रिजल्ट बन गया है वो 100% लग जाए फिजिकल में। मार्क्स कितना है उससे मतलब नहीं है, आप अच्छा कर लेंगे फिजिकल में 100 का 100 मार्क्स उठा लेंगे जीडी वाले, तो आपका मेरिट में नाम आ सकता है, इसीलिए आप फिजिकल में लग जाएं। और कुछ तरह का डाउट है तो मेरे से पूछें। रिजल्ट आ गया और बहुत अच्छा खासा ही रिजल्ट बना है पिछले साल की अपेक्षा। मिलते हैं अगर और रिजल्ट आज तो भी कुछ आएगा, क्योंकि अब रिजल्ट इसी तरह सिलसिला जारी रहेगा, रिजल्ट धीरे धीरे आते रहेगा, उस तरह मैं टेलीग्राम पे देते रहूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम फटाफट ज्वाइन कर लें।